हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द रेलवे स्टोर चैनल की एक लेटेस्ट एपिसोड में। तो आज के एपिसोड के जरिए आप लोगों को इंडियन रेलवेज की लोको पायलट के बारे में जानकारी मिलेगी और इस एपिसोड के लास्ट तक आपको लोको पायलट की एलिजिबिलिटी और जॉब क्राइटेरिया के बारे में भी जानने को मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इंडियन रेलवेज की ट्रेन को जिन्होंने चलाते हैं उन्हें लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर बोला जाता है, जिनके ऊपर पूरे ट्रेन की सामान और पैसेंजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोको पायलट रेलवे में एक मेजर पार्ट को प्ले करते हैं क्योंकि बिना लोको पायलट तो ट्रेन चलाना ही इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली ट्रेन में दो तरह की लोको पायलट होते हैं, पहली है लोको पायलट और दूसरी है असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP। असल में रेलवे में सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पर ही लोको पायलट ज्वाइन करते हैं और असिस्टेंट लोको पायलट की सीनियरिटी के रिगार्डिंग उनके जॉब का प्रमोशन होता है और उन्होंने लोको पायलट बन जाते हैं। तो सबसे पहले लोको पायलट की ड्यूटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो लोको पायलट बेसिकली रनिंग रूम पर रहते हैं जो किसी बड़े स्टेशन या डिविजन के हेडक्वार्टर के आसपास होते हैं। इनके ड्यूटी को सिलेक्ट किया जाता है ALF के द्वारा, मतलब असिस्टेंट लोको फ्लोरमैन के द्वारा। तो लोको पायलट को उनके ड्यूटी के इंफॉर्मेशन, मतलब कौन सी ट्रेन में किस टाइम से ड्यूटी है, ये सारी जानकारी को स्टेशन लॉबी कंट्रोलर के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद इन्होंने लॉबी पर आके साइन अप करते हैं और अपना ड्यूटी पर ज्वाइन करते हैं। इनका मैक्सिमम ड्यूटी होता है 8 आवर्स। हालांकि ट्रेन लेट होने के वजह से इनका ड्यूटी का टाइम भी एक्सटेंड हो जाता है और इसके रिगार्डिंग उनको ओवर टाइम की पैसे भी मिलती है। लेकिन इनके ड्यूटी के कुछ मेथड भी होती है, जैसे कि 30 डेज में उनका ड्यूटी टाइम होना चाहिए 208 आवर। आपको बता दें कि मौजूदा समय में इंडियन रेलवेज लोको पायलट के लिए मेल कैंडिडेट्स के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट को भी ले रहा है और ट्रेन लेट होने की वजह से अगर इनकी ड्यूटी टाइम 208 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है 30 डेज में, देन इनको ओवर टाइम की पैसा ही मिलती है। तो अब बात करते हैं लोको पायलट की प्रोमोशन शेड्यूल के बारे में। तो जैसे कि आपको आज के एपिसोड के जरिए पता होगा कि लोको पायलट सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP की पोस्ट में ज्वाइन करते हैं और इस पोस्ट में 2 से 3 साल का सीनियरिटी के बाद इनका फर्स्ट प्रोमोशन होता है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर। तब इनको पैसेंजर ट्रेन की असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी को निभाना होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंजन की लेफ्ट साइड पर हमेशा लोको पायलट बैठते हैं और राइट साइड पर हमेशा असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP बैठते हैं। और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट में 2 से 4 साल का सीनियरिटी के बाद इनको भेजा जाता है ड्राइवर प्रमोशन कोर्स के लिए। ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है और इस ट्रेनिंग के बाद इनको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तब इनका ड्यूटी होता है एज ए लोको पायलट शंटर और तब इनका ड्यूटी होता है ट्रेन शंटिंग के लिए। और लोको पायलट शंटर की पोस्ट में इनको ट्रेन कंट्रोल करने की हर तरह की स्टेप को सिखाया जाता है और इसके बाद इन्होंने गुड्स ट्रेन की लोको पायलट का ड्यूटी के लिए एलिजिबल हो जाता है और तब इनका ड्यूटी होता है गुड्स ट्रेन की लोको पायलट की पोस्ट में। लोको पायलट गुड्स की पोस्ट में 2 से 5 साल का सीनियरिटी के बाद अगर कोई लोको पायलट बड़े बड़े डिवीजन के अंदर में ड्यूटी करते हैं जहां पर सबर्बन ट्रेन चलती है, जैसे कि हावड़ा, मुंबई, चेन्नई आदि, तो तब इनको प्रमोशन होती है मोटरमैन की पोस्ट में जहाँ पर इनको सबर्बन ट्रेन को चलाना पड़ता है। मोटरमैन की पोस्ट में 2 से 5 साल का सीनियरिटी के बाद इनका प्रमोशन होता है लोको पायलट पैसेंजर की पोस्ट में। तब इनका ड्यूटी होता है पैसेंजर ट्रेन में, लेकिन ये कोई हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेन नहीं होता है जैसे कि राजधानी शताब्दी आदि। लोको पायलट पैसेंजर की पोस्ट में इनका सीनियरिटी 3 से 5 साल का होना ज़रूरी है। तब इनका प्रमोशन होता है लोको पायलट मेल की पोस्ट में और इस पोस्ट में आने के बाद ही इनको हर तरह की हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी शताब्दी, तेजस, ऐसी ट्रेन को चलाना पड़ती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोको पायलट मेल पोस्ट ही होता है लोको पायलट की मैक्सिमम प्रमोशन। तो इस एपिसोड में हमने लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अब लोको पायलट की क्वालिफिकेशन और जॉब क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लोको पायलट बनने के लिए सबसे पहले हर कैंडिडेट्स को ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट बनना ज़रूरी है। तो असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपको मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है। हालांकि 12th पास होने के बाद भी आप एलिजिबल है। तो 10th या 12th पास होने के बाद आपको ITI या डिप्लोमा करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रहे ITI का कुछ ट्रेड का स्टूडेंट्स ही इसके लिए एलिजिबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इन मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक्स आदि। और डिप्लोमा में से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। अगर एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स को 18 से 30, ओबीसी कैंडिडेट्स को 18 से 33 और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 18 से 35 ईयर्स का होना जरूरी है। हालांकि एक्स आर्मी कैंडिडेट्स के लिए और भी रिलैक्सेशन मिलती है। तो एएलबी बनने के लिए कैंडिडेट्स को तीन तरह की एग्जाम देना पड़ती है, जो है कुछ इस प्रकार, CBT-1, CBT-2 और CBT-3। CBT का फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT-1 एग्जाम में मैथ, साइंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। इस एग्जाम में फुल मार्क्स होता है 75 और टाइम होता है 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। बेसिकली ये एक क्वालिफिकेशन एग्जाम होता है। और CBT-2 एग्जाम दो पार्ट में बांटा गया है, पहली है पेपर ए और दूसरी है पेपर बी। पेपर ए में फुल मार्क्स होता है 100, इसमें मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। तो दूसरी तरफ पेपर बी में 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये एक ओरल टाइप एग्जाम होता है, जहाँ पर कैंडिडेट्स जिस ट्रेड से बिलोंग करती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CBT-1 और 2 में पास करने के बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है। तो अब बात करते हैं CBT-3 के बारे में। तो CBT-3 को बोला जाता है साइको टेस्ट। बेसिकली इसमें कैंडिडेट को कोई एग्जाम तो नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसमें उनका कुछ टेस्टिंग किया जाता है, जैसे कि मेमोरी टेस्ट, टेबल टेस्ट, ब्रिक्स टेस्ट आदि। अगर वैकेंसी की बात करें तो हर 2 से 3 साल में ALP के लिए 40,000 से 50,000 तक वैकेंसी निकलती है। करेंटली DFC के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकल रहा है और इस वैकेंसी को आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना, दोस्तों सोशल मीडिया में बहुत सारी अनऑफिशियल वेबसाइट से इंडियन रेलवेज की वैकेंसी के ऊपर कुछ न्यूज़ आ रही है। मेरा आप सबसे विनती है कि कृपया करके आप ये सारे अनऑफिशियल वेबसाइट से दूर रहिए, क्योंकि रेलवे अपना रिक्रूटमेंट को निकालने के लिए खुद का वेबसाइट बनाई है और सारे ऑफिशियल रिक्रूटमेंट को आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड के जरिए आप लोगों को इंडियन रेलवेज की लोको पायलट के ऊपर हर तरह की जानकारी मिली है। मेरा उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और अगर आप इंडियन रेलवेज की लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे चैनल के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और आपका कोई सुझाव या ओपिनियन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी इंडियन रेलवे के साथ जुड़ी हुई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो हमारे चैनल द रेलवे स्टोर को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।